बच्चों आज हम अभी आपका पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 के हम तीन ही सम्स कर पाए थे, अब हम फोर्थ सम से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैट। क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि भाई ये जो नीचे हमने आंसर्स दिए हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, कह रहे हैं हमने जो ये नीचे आंसर्स दिए हैं क्या वो सही है, मतलब ये जो हमने x इज इक्वल टू -1 और 2 दिया है क्या ये इसी का ही है, वेरीफाई करो चेक करो। तो मैंने आपको सिखाया था वैल्यू डाल के चेक करने का, ठीक है। सॉल्यूशन px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, तो आप क्या करोगे, आपको एक बारी x इज इक्वल टू -1 डालना है, ठीक है। तो बारी बारी से चेक करोगे, पहले x -1 डालोगे फिर x2 डालोगे, ठीक है। तो x -1 डाल के देखो, x की जगह क्या डालोगे, -1, तो x की जगह -1 डालो, x की जगह -1 डाला, फिर से x की जगह -1 डालो, फिर से x की जगह -1 डालो, ठीक है। तो देखो -1 प्लस 1 जीरो हो गया, ठीक है। -1 और +1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 प्लस 2 क्या होगा 3, और साइन होगी बड़े की, ठीक है, माइनस की साइन। तो 0 माइनस 3 जा 0, ठीक है। तो पी ऑफ -1 क्या आया आपका 0, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, एक्स की जगह क्या डालोगे, 2। अब एक्स की जगह क्या डालोगे, 2, ठीक है। फिर से अच्छा यहाँ देखो, इसकी वैल्यू यहाँ रखने से इसका आंसर 0 आया, ठीक है। 0 यहाँ कोई साइन नहीं मिला, 0 मल्टीप्लाई माइनस की मिला 0, इसको यहाँ रखने से आपका आंसर 0 आया, इसका मतलब यस इट इज अ 0, ठीक है। तो देयर फोर -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कि -1 0 है, -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद x की जगह 2 रख के देखें, x की जगह 2 रखेंगे तो क्या, फिर से p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जगह क्या रखना है आपको, 2, x की जगह रखना है आपको 2, तो यहाँ x की जगह 2 रखें, x की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो देयरफॉर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या है 3, 2 प्लस 1 है आपका 3, 2 माइनस 2 क्या होगा 0, ठीक है। तो 3 0 जा 0, तो पी ऑफ 2 क्या है 0, ठीक है। तो देखो उसको रखने से भी आपका 0 आंसर आया, इसको भी, तो देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जिसका रखने से आंसर 0 आए तो वो 0 हुआ। 0 का मतलब सॉल्यूशन, कि हाँ भाई ये सही है, x इसका सही है, और इसका x का वैल्यू -1 भी सही है, x का वैल्यू 2 भी सही है, ठीक है। अब हम फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ सम में क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमा x इज इक्वल टू 0, कह रहा है x की जगह 0 डालो, x की जगह क्या डालना है आपको 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन x की जगह क्या डालोगे आप 0, तो देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 जा 0, देयरफॉर p ऑफ 0 इज 0, ठीक है। तो 0 आया तो सही है, ठीक है। तो देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट सिक्स नंबर देखें, सिक्स में आपका क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m कॉमा x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l, ठीक है। आपको px इज इक्वल टू lx प्लस m है, px इज इक्वल टू lx प्लस m है कॉमा x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l, मतलब आपको x की जगह माइनस m अपॉन l डालना है, x की जगह क्या डालना है माइनस m अपॉन l, ठीक है।
माइनस एम अपॉन एल डालें। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लें। एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल डालो। माइनस एम अपॉन एल डालो। ठीक है, एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल, एल एल कैंसिल, एल वन जा, ठीक है, तो माइनस एम प्लस एम, ठीक है, माइनस एम प्लस एम क्या होगा आपका, तो माइनस प्लस माइनस, एम में से एम क्या जीरो, ठीक है। इसमें इसको देख के घबराने का नहीं कि माइनस एम अपॉन एल है, हो कैसे करें, सिंपल जैसे आप नंबर नंबर को ट्रीट करते वैसा ही करो। माइनस एम अपॉन एल डाला, एल और एल कैंसिल, तो माइनस एम प्लस एम, माइनस प्लस माइनस, एम में से एम क्या जीरो, तो देयरफॉर पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपके सिक्स्थ का आंसर हुआ। स्टूडेंट्स अभी हम सेवंथ और एट नंबर करते हैं, इसी का ही जो हमारा चल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, उसी का ही हम सेवंथ कर रहे हैं। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री। क्या बोल रहा है कि पी एक्स आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स आपका माइनस वन अपॉन रूट थ्री है, टू आपका और दूसरा वैल्यू है टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो आपको एक बार वो वैल्यू डालनी है, एक बार वो सॉल्यूशन px is equal to 3x square minus 1, ठीक है, 3x square minus 1, ठीक है, 3x square minus 1 है, तो x की जगह minus 1 upon root 3 डालोगे, x की जगह क्या डालोगे, minus 1 upon root 3, तो x की जगह minus 1 upon root 3 डालें, ठीक है, x की जगह आपने क्या डाला, माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री। एक्स की जगह आप माइनस वन अपॉन रूट थ्री डालें, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री, देखो थ्री तो है ही, अब यहाँ देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो माइनस वन का स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन जा, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन माइनस वन जा, माइनस माइनस प्लस वन वन जा वन, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन। ठीक है, अपॉन देखो ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये रूट रूट है, ये स्क्वायर है, तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हुआ तो थ्री, ये माइनस वन। ठीक है, ध्यान से देखना, जिसका मैक्स वीक है, जिसका मैक्स वीक पॉइंट है वो ध्यान से देखना ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसी चीजों में ही मार खाते हैं, ठीक है, हम ऐसी चीजों में ही अक्सर मार खा जाते हैं। ठीक है, देखो अब फिर यहाँ देखो थ्री वन जा, थ्री वन जा, ठीक है, तो वन माइनस वन, वन माइनस वन तो जीरो, ठीक है, वन माइनस वन क्या हुआ, जीरो आया आपका, तो देयरफॉर पी ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्या आया आपका, जीरो। ठीक है, पी ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री आया आपका जीरो। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपको पी ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखने पे जीरो आंसर मिला, इसका मतलब क्या हुआ, आपका माइनस वन अपॉन रूट थ्री जीरो है, तो देयरफॉर माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, अब आप x की जगह 2 अपॉन रूट थ्री रखोगे, x की जगह क्या रखोगे 2 अपॉन रूट थ्री, अब दूसरा चेक करो, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, देखो क्वेश्चन वही पर आपको अब दूसरा चेक करना है, क्या 2 अपॉन रूट थ्री के 2 अपॉन रूट थ्री रखने से भी मुझे 0 मिलता है। ठीक है, तो देयरफॉर देयरफॉर p 2 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री, एक्स की जगह टू अपॉन रूट थ्री डालो माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री, देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो टू का स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इज इक्वल टू थ्री, टू का स्क्वायर क्या होता है, टू दो बारी, टू टू
जा क्या होगा 4, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 अपॉन रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा 3 माइनस 1, ठीक है 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3, ठीक है तो देयरफॉर p 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है p 2 अपॉन रूट 3 पे क्या आएगा आपका 3 आया आंसर। तो देखो मतलब इसका 3 आंसर आया, 0 नहीं आया, या 0 आता तो ही वो 0 होता, तो so 2 upon root 3 is not the 0 of the polynomial, therefore यहाँ जगह नहीं है, मैं यही साइड में ही लिख देती हूँ, 2 upon root 3 is not the 0, भाई 2 upon root 3 रखने से 0 नहीं आया, तो not the 0, 2 upon root 3 is not the 0 of the पॉलीनोमियल, ठीक है नहीं है जीरो, ठीक है 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। अच्छा अब यहां देखें px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू हाफ, अब क्या करना है px आपका 2x प्लस 1 है और x हाफ लेना है आपको, ठीक है तो x की जगह क्या लोगे हाफ, ठीक है तो x की जगह हाफ लेना सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन, तो p of x is equal to 2x plus 1, x की जगह क्या रखना है मुझे हाफ, ठीक है तो x की जगह हाफ रखूंगी, जहां x है वहां हाफ रखना है प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहा है आपका, 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है तो ये 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो therefore p half is equal to, ठीक है p half is equal to 2, तो देखो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो is not the 0 of the polynomial, तो therefore क्या लिखोगे 1 upon 2 is not the 0 of the polynomial, ठीक है 0 नहीं है, ठीक है 1 upon 2 is not the 0 of the polynomial, कि वो नहीं है 0, ठीक है तो बस यही है इसमें पूरे में यही है कि आपको चेक करना है कि जीरो है कि नहीं, आंसर जीरो आता है रखने को तो यस इट इज अ जीरो, जीरो का मतलब सॉल्यूशन या आंसर भाई सही है वो आंसर, नहीं है तो नॉट द जीरो। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका पेज 33 पे एग्जांपल 4 है, ये आपके सम्स में ये सम भी ये भी इजी टाइप ही है पर थोड़ा देखो सम डिफरेंट वे में पूछा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कह रहा है जीरो फाइंड करो पॉलिनोमियल का, जीरो जीरो का मतलब x फाइंड करो, जीरो का मतलब आंसर फाइंड करो x फाइंड करो, कि भाई हमने आपको एक पॉलिनोमियल दिया है हमें x फाइंड करके दो, तो x फाइंड करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुझे x फाइंड करना है तो px is equal to 2x plus 1 में मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैं एक नियम बना देती हूँ क्या करूंगी मैं, कभी भी मुझे जीरो फाइंड करना है, कभी भी मुझे जीरो सॉल्यूशन या आंसर ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो और ऐसा मुझे px दे दिया है ना, तो मैं px को ही जीरो ले लूंगी, याद रखो ऐसे ही करना है आपको हमेशा, कभी भी आपको ऐसे बोल रहा है कि जीरो फाइंड करो पॉलिनोमियल का आंसर फाइंड करो तो आपको px ही जीरो ले लेना है, ठीक है तो सॉल्यूशन, ठीक है तो आपको यह जीरो फाइंड करना है कि जीरो मतलब x फाइंड करना है, फाइंड द जीरो का मतलब कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में ये x फाइंड करना है, x तो कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको क्या बोला x फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है या सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो px को ही जीरो ले लो, ऐसे क्वेश्चन शुरुआत ही ऐसे करने की px इज इक्वल टू जीरो से शुरुआत करने की, ठीक है तो सॉल्यूशन px इज इक्वल टू जीरो, ठीक है तो px जीरो लिया तो देयरफॉर px जीरो लिया आपने तो px की वैल्यू क्या है आपकी, px की वैल्यू है 2x plus 1, ठीक है px की वैल्यू क्या है आपकी 2x plus 1, तो देयरफॉर 2x plus 1 इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द जीरो ऑफ द सॉल्यूशन या फाइंड
find the zero of the polynomial, find the zero of the solution, zero of the polynomial, find the solution of the polynomial, ऐसा जब भी हो क्वेश्चन में तो ये चीज तो लिख ही देनी है, शुरुआत इसी से ही करनी है, ये लिख ही देना बिना भूले। वो जीरो मांग रहा है तो आपको px को ही जीरो लिखना है, वो फाइंड करने बोल रहा है, चेक करने नहीं बोल रहा है, फाइंड कि ढूंढ के तो x क्या है, ठीक है। तो ये आपको यही शुरुआत यही होनी चाहिए आपके सम की, p of x is equal to zero, पर px की वैल्यू क्या है 2x plus 1, px की वैल्यू है 2x plus 1, तो therefore 2x plus 1 is equal to zero, ठीक है। तो therefore 2x है, plus 1 उधर जाएगा तो क्या होगा minus 1, plus 1 उस साइड जाएगा तो minus 1, तो 2x is equal to minus 1, therefore x is equal to, अब x को अकेला बनाओ, x के साथ क्या है 2 है, उसको अकेला बनाए तो 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड होगा तो माइनस 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस 1 अपॉन 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। या इसी एग्जाम्पल के नीचे एक और आपको एग्जाम्पल 4 के पीछे आपको एक और थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने के लिए दिया हुआ है, मैं उसको स्टार करके कराती हूँ, वो आपका पेज 34 पे है, ठीक है, पेज 34 पे है ऐसा ही टाइप, मैं आपको स्टार करके लिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वहां पे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, फाइंड अ zero of the polynomial px is equal to ax plus b, क्या बोल रहा है ax plus b का zero find करो, ठीक है, ax plus b का answer find करो, तो solution, ठीक है, find the zero of the polynomial px is equal to ax plus b, कैसे solution find करोगे, तो देखो मैंने जीरो फाइंड करना है ना, जीरो तो px इज इक्वल टू जीरो रख दो, तो px इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर ax plus b इज इक्वल टू जीरो, px जीरो है तो ax plus b भी जीरो होगा, ठीक है। देयरफॉर अब प्लस b है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b, तो देयरफॉर ax इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है, प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। मुझे एक्स अकेला बनाना है, ये सारा काम क्यों कर रही हूँ, मुझे एक्स अकेला बनाना है तो एक्स के आजू बाजू खाली करना पड़ेगा ना, तो पहले पहले प्लस बी था उसको उठा के वहां ले गई तो उधर ले गई तो जीरो माइनस बी, ठीक है। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो में से माइनस बी, जीरो प्लस करो माइनस करो वो उसके वो माइनस बी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, जीरो कहीं पे भी हो माइनस भी वैसा का वैसा रहेगा, तो एक्स फाइंड करो, एक्स के साथ ए है, एक्स के साथ ए है, ए मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। बच्चों अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, फिर उसके बाद एक और सम कराया, ऐसे दो सम्स कराए, तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ आए, तो मैं एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लेती हूँ, आपकी पेज नंबर 35 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 35 क्वेश्चन 4 है, आपको पता है मैं कंटिन्यूटी में सेम टाइप के सम्स लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा माइंड में बैठे, ठीक है। तो पेज 35 पे क्वेश्चन 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या बोल रहा है कि जीरो फाइंड करो, पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड करो इन ईच ऑफ द केसेस, हर केस में आंसर फाइंड करो, जीरो फाइंड करो, आंसर फाइंड करो ना जीरो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जहां पे भी फाइंड द जीरो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो भाई जीरो फाइंड करो, तो उसमें आप पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पहला आपका वही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन px is equal to zero, शुरुआत ही ऐसे होनी है आपकी px is equal to zero बोल के, ठीक है, px is equal to zero,
ठीक है, तो पी एक्स जीरो है तो पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस फाइव, पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस फाइव, तो देयर फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस फाइव आपका जीरो है तो प्लस फाइव उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस फाइव, ठीक है, प्लस फाइव उधर ले जाएंगे तो माइनस फाइव, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है। तो देखो मिल गया ना मुझे, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, मैंने फाइंड कर लिया x = -5, मैंने आंसर फाइंड कर लिया, तो फाइंड द आंसर देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। देखो इसमें मैं आपको घड़ी घड़ी यही बोलूंगी मैथ्स में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, वो ध्यान से पढ़ा करो, मतलब मैं बोलूं ना 80% बच्चे क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने की वजह से मार खाते हैं, एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, कई बार सुना होगा कि अरे पूछा तो ये था मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई, मतलब ये ठीक है समझाने वाला तो भी समझा जाता है भाई मैं आपको सब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ हर वस्तु बता रही हूँ, पर पता नहीं क्या हो जाता है हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते, तो क्वेश्चन क्लियर रखो, वो फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द जीरो मतलब आपसे एक्स फाइंड करने बोल रहा है, फर्स्ट मैंने करा है, सेकेंड वाला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, सेकेंड है px is equal to x minus 5, ठीक है, तो px आपका x minus 5 है, फिर से आप px 0 लो, ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन px 0 लो, px है आपका 0, तो therefore x minus 5 is equal to 0, तो therefore x minus 5 आपका 0 है तो minus 5 उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 5, therefore x is equal to 5, माइनस फाइव उधर गया तो प्लस फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो देयरफॉर फाइव इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, फाइव जीरो है पॉलीनोमियल का, ठीक है, कि फाइव आंसर है, ठीक है, सिंपल है, माइनस एक्स को अकेला बनाना है माइनस फाइव उठाया तो उधर लेके तो जीरो प्लस फाइव, ये भी अगर स्टेप डिटेल में कराना है तो मैं करा देती हूँ ये स्टेप, यहाँ देखो डिटेल में कराना है तो therefore x is equal to 5 उधर गया तो क्या होगा 0 minus 5, तो मैंने बोला 0 plus और minus और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x is equal to minus 5, ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया, सेम यहाँ पे x minus 5 0 है तो minus में उधर गया तो plus 5, ठीक है, मैंने आपको कहा 0 के plus में minus में और कोई फेर नहीं पड़ता है, तो x is equal to 0 plus 5, ठीक है, therefore x is equal to 5, ठीक है, therefore pi is the zero of the polynomial. थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, थर्ड है px is equal to 2x plus 5, ठीक है, px is equal to 2x plus 5 है, px is equal to 2x plus 5, ठीक है, इसमें कैसे चेक करेंगे, फिर से px की जगह क्या डालेंगे जीरो, ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे जीरो, फिर से स्टार्ट ही px इज इक्वल टू जीरो से चालू करोगे, ठीक है, चालू ऐसे ही करने का, अब px जीरो है तो px की वैल्यू है 2x plus 5, तो therefore 2x plus 5 is equal to 0, तो therefore 2x is equal to minus 5, therefore x को अकेला बनाओ, अच्छा 0 minus 5, ठीक है, 2x is equal to 0 minus 5, 0 minus 5, 0 plus में और minus में फेर नहीं पड़ता है, तो 2x is equal to minus 5, ठीक है, तो therefore x 2 multiply में नीचे आके क्या हो जाएगा divide, तो x is equal to minus 5 upon 2, x is equal to minus 5 upon 2, ठीक है, तो therefore minus 5 upon 2 is the 0 of the पॉलीनोमियल, ठीक है, माइनस फाइव अपॉन टू इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम इसी का एक क्वेश्चन फोर का एक फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, जीरो फाइंड करना है तो सॉल्यूशन पी एक्स जीरो ले लो, ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर px minus 2 is equal to 0, ठीक है, px की जगह 3x minus 2, ठीक है, तो minus 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 2, तो 0 plus 2, तो therefore 3x 0 plus 2 क्या होगा 0 plus 2 2 ही होगा,
ठीक है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ठीक है। सेम ऐसे यहां पे अब यहां देखें, इसमें भी सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन इसमें भी जीरो ही फाइंड करना है, क्वेश्चन ये फाइंड द जीरो वाला, तो सॉल्यूशन टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देयर फोर टी एक्स क्या है, थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स के साथ देखो थ्री मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है, एक्स को अकेला बनाना है, तो एक्स को अकेला बनाऊंगी तो जीरो अपॉन थ्री, ठीक है। तो जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या होगा, आंसर जीरो ही होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अच्छा यहाँ फाइनल आंसर लिख लेती मैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ, देयर फोर इसका टू अपॉन थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, टू अपॉन थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देयर फोर जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है फिर से, तो सॉल्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो देयर फोर पी एक्स क्या है, ए एक्स है, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर से एक्स एक्स फाइंड करना, एक्स के साथ ए है अकेला बनाओ, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए, ठीक है। फिर से तो जीरो अपॉन ए क्या होगा, जीरो मैंने आपको बताया था कि किसी के भी अपॉन में हो तो जीरो ही होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन डी वैसा ही है, मैंने जो एग्जाम्पल के साथ एक एक्स्ट्रा सम लिया था ना, मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ ही मैंने ए एक्स प्लस बी नहीं लिया था, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये वैसा ही है, खाली सी एक्स प्लस डी दिया, सेम वैसा सम है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो फिर से पी एक्स की जगह जीरो रखो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखो, तो देयर फोर पी एक्स की जगह जीरो रखना, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स क्या है सी एक्स प्लस डी, तो देयर फोर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर सी एक्स प्लस डी है, प्लस डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी, तो सी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस डी, ठीक है। तो देयर फोर सी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस डी क्या होगा माइनस डी, ठीक है। मैंने आपको बोला प्लस और माइनस और जीरो का फेर नहीं पड़ता है, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, सी देखो मल्टीप्लाई में था नीचे आया था डिवाइड, तो ये आपका आंसर माइनस डी अपॉन सी आंसर है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, देयर फोर जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लास्ट आंसर हमेशा स्टेटमेंट में लिखा करो, ठीक है भाई। आप जब आंसर फाइंड कर लेते हो तो एक स्टेटमेंट लिख लिया करो सेम यहाँ पे, और बॉक्स जरूर बनाया करो, बॉक्स भाई एग्जामिनर को क्या सीधा आंसर दिखता है कि हाँ भाई इसने आंसर लाया। देयर फोर माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टूडेंट्स आर डी शर्मा में पेज 6.5 देखें, आर डी शर्मा में पेज नंबर 6.5, आर डी शर्मा पेज 6.5 में एग्जाम्पल 2 देखें, ठीक है। आर डी शर्मा आपका एग्जाम्पल 2 बोल रहा है शो दैट, शो का मतलब प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, कह रहा है शो करो मतलब प्रूव करो कि ये इसका रूट है, रूट। अच्छा मैं आप रिमेम्बर करके ऊपर लिख दो, ये आपके मार्जिन पे रिमेम्बर करके लिख दो कि जो रूट होता है रूट का मतलब जीरो होता है, जीरो रूट सॉल्यूशन वो एक ही बात है, ठीक है। रूट भी एक नाम ही है, जीरो का नाम ही है, ठीक है। रूट जीरो सॉल्यूशन ये वर्ड यूज होता है मतलब वो आंसर की बात हो रही, रूट का मतलब आंसर सॉल्यूशन जीरो। मैंने जब आपको बोला था कि जीरो वर्ड जीरो के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने बोला था सॉल्यूशन भी यूज हो सकता है आंसर और अभी ये रूट भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं शो करो दिखाओ कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, कह रहा है दिखाओ कि x इज इक्वल टू 1 इसी का ही सॉल्यूशन है इसी का ही रूट है। तो सिंपल x की जगह 2 डाल दो, अगर 0 आए तो यस इट इज अ 0, नहीं आए तो नो इट इज अ नॉट, ठीक है नो इट इज नॉट। तो सॉल्यूशन पहले तो है इतना बड़ा जो पॉलिनोमियल दिया है उसको px नाम दे दो आप,
तो पी एक्स नाम दोगे तो पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। तो देयर फोर x की जगह 1 डालेंगे, x की जगह क्या डालेंगे 1, तो देयर फोर x की जगह 1 डाला ठीक है, x की जगह 1 डाला, जहां जहां x था वहां 1 डाला, क्योंकि मुझे 1 के लिए चेक करना है x की जगह 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 1 का क्यूब मतलब 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है। तो 1 आया आंसर, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 दो बार 1 1 जा 1, प्लस 7 1 जा 7 माइनस 6, ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7 माइनस 6, ठीक है। अच्छा 2 माइनस 3 क्या होता है, 2 माइनस 3 प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गए 1, साइन किसकी आएगी, बड़े की, माइनस की आएगी, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया, प्लस 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए 1, तो प्लस 1, ठीक है, 7 में से 6 गए सिंपल 1, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 में से 1 गए 0, ठीक है। साथ देखो, पहले इन दोनों को सॉल्व किया इसका आंसर ये आया, इन दोनों को सॉल्व किया इसका आंसर ये आया, फिर दोनों को के माइनस प्लस माइनस, तो 0 आंसर आया। तो देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 आंसर आया, इसका मतलब यस x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, रूट या 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल। अगर यह जीरो नहीं आता ना तो नॉट नहीं होता, रूट नहीं होता या जीरो नहीं होता, इज रूट ऑफ द पॉलीनोमियल। स्टूडेंट्स अभी हम एग्जांपल 3 देखते हैं, आरडी शर्मा का एक पेज 6.6 में। एग्जाम्पल 3, x इज इक्वल टू 4/3 इज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, x इज इक्वल टू 4/3 इज द रूट, रूट का मतलब फिर से सॉल्यूशन, आंसर, जीरो, जो भी बोल दो, रूट ऑफ द पॉलीनोमियल fx इज इक्वल टू 6x³ - 11x² + kx - 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 4/3 आंसर है पॉलीनोमियल fx का, अगर ये x इज इक्वल टू 4/3 आंसर है तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बहुत ही अच्छा सम है, इसमें एक ही सम में दो चीजें आपसे पूछ ली है। पहले तो क्या बोल रहा है x, पहले वो बोल रहा है हाँ x इज इक्वल टू 4/3 है, इज अ रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, बोल रहा है हाँ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपको कि k की वैल्यू फाइंड करो, तो देखो इसने पहले ही बोल दिया कि रूट ऑफ द पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो मैंने जीरो या रूट, तो मैंने आपको बोला था जब भी ऐसे बोल दे कि भाई ये है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल या रूट ऑफ द पॉलीनोमियल है, तो पहली लाइन ऐसे लिख ही देने की पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ इसने एफ एक्स नाम दिया है, एफ एक्स, तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों मैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख रही हूँ, क्योंकि उसने पहले बोल दिया इज अ रूट, ठीक है, इसने इज अ रूट बोल दिया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है आपका, अच्छा एक्स जीरो है, पर एक्स कब जीरो है, 4/3 पे जीरो है, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, 4/3, ठीक है। तो अब किसका है, तो देखो यहाँ एक्स की जगह 4/3, यहाँ 4/3, यहाँ 4/3, सबकी जगह 4/3 लिखोगे, तो 6 एक्स की जगह 4/3, 4/3 क्यूब माइनस 11 4/3 स्क्वायर प्लस के, एक्स क्या है 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। सिंपल मैंने क्या किया, जहां जहां एक्स था 4/3 रख दिया, ठीक है, मैंने कुछ और काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही किया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देयरफॉर, देखो यहाँ 6 है, देखो 4 का क्यूब मतलब 4 कितनी बारी, 3 बारी, तो मैं लिख देती हूँ 4 3 बारी, ठीक है। यहाँ बोल रहे 3 का क्यूब मतलब 3 3 बारी, माइनस 11 है, ठीक है, ये 11 है,
फोर का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, ठीक है, फोर को भी स्क्वायर मिलेगा और थ्री को भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, फोर को भी स्क्वायर थ्री को भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आपके फोर को भी मिलेगा थ्री को भी मिलेगा, प्लस प्लस के फोर अपॉन थ्री, ठीक है, फोर अपॉन थ्री माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, देयरफॉर थ्री वन जा थ्री टू जा, ठीक है, तो देखो कट शॉर्ट की थ्री वन जा थ्री टू जा करो सॉल्व, टू फोर जा एट, एट फोर जा थर्टी टू, थर्टी टू फोर जा, तो थर्टी टू फोर जा क्या होगा, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, वन ट्वेंटी एट होगा, ठीक है, क्या होगा वन ट्वेंटी एट, और थ्री थ्री जा नाइन, माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, इलेवन मल्टीप्लाई सिक्सटीन, और थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, प्लस के फोर जा फोर के अपॉन थ्री, ठीक है, माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सॉल्व करो, देयरफॉर वन ट्वेंटी एट अपॉन नाइन माइनस सिक्सटीन इलेवन जा क्या होगा, सिक्सटीन इलेवन जा कर लेते हैं, ठीक है, मैंने 16 को 11 से किया, 1 6 जा 1 1 जा 1 6 जा 1 1 जा, तो 176 आंसर आया मेरा, तो 176 अपॉन 9, ठीक है, 176 अपॉन 9 आया, प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 9 है 3 है, तो 9 9 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ अपॉन है, यहाँ अपॉन है, यहाँ अपॉन है, पर यहाँ कोई अपॉन नहीं है, ठीक है, 9 9 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखो 9 9 3 का एलसीएम निकालो, ठीक है, तो 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है, तो एलसीएम क्या आया 9, ठीक है, 3 3 जा 9, तो मैं क्या करूंगी, सबको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ तक, ठीक है, मतलब मुझे ये अपॉन क्लियर करना है, मुझे ये अपॉन नहीं चाहिए, मुझे अपॉन नहीं चाहिए, तो अपॉन क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया 9 9 3 का एलसीएम निकाला, 9 आया, अब मैं सबको थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी सबको, ठीक है, तो देयरफॉर 9 मल्टीप्लाई 128 अपॉन 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 176 अपॉन 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4k अपॉन 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देयरफॉर देखो 9 1 जा 9 1 जा कैंसिल, तो क्या हुआ 128 माइनस 9 1 जा 9 1 जा कैंसिल, तो 176, ठीक है, प्लस 3 1 जा 3 3 जा, तो 3 4 जा 12k माइनस 9 20 जा 180, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर अब देखो सारे नंबर नंबर सॉल्व कर दो, 128 माइनस 176 माइनस 180 सारे नंबर नंबर सॉल्व कर दो, क्योंकि 12k है, 12k इनके साथ सॉल्व नहीं होगा, तो 128 पहले इसको करें, 128 और 176 प्लस माइनस माइनस, तो 176 में से 128 गए तो देखो 176 में से 128 गए तो 16 में से 8 गए 8, 6 में से 2 गए 4, तो 48 आंसर आया, 48 आंसर आया, तो साइन किसकी आएगी, बड़े की, ठीक है, ये बड़े की साइन आएगी, ठीक है, तो माइनस 48, ठीक है, तो देयरफॉर माइनस 48 प्लस 12k
माइनस 180, ठीक है, माइनस 180 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब फिर से नंबर नंबर को सॉल्व करो, माइनस 48 माइनस 180, माइनस माइनस प्लस, तो 180 और 48 8, 8 और 4 12, तो 228, तो साइन आएगी बढ़ेगी, तो माइनस 228 प्लस 12 के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देयरफॉर अब माइनस 228 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 228, तो 12 के इज इक्वल टू जीरो प्लस 228, तो देयरफॉर 12 के इज इक्वल टू 228, देयरफॉर के इज इक्वल टू 228 अपॉन 12, 12 की टेबल में 228 कब आएगा, तो 12 वन जा 12, ठीक है, 12 को करो 228 से, 12 वन जा 12 018, 12 की टेबल में 108 कब आता है, 12 नाइन जा, ठीक है, तो 12 नाइन जा आता है 108, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 9 आया, ठीक है, 12 वन जा 12 19 जा। अब देखो मतलब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, मैं फिर से कहूंगी आप है ना एक बार ये फिर से रिवाइंड करके पूरा शांति से देखना, ऐसे डिफिकल्टी जैसा कुछ नहीं है, आपको k फाइंड करना है। तो x की मैंने वैल्यू डाल देने की, x की वैल्यू डाल दी और यहाँ x की वैल्यू डाल दी तो इसको जीरो ले लो, फिर बस k को अकेला बनाने का काम करना है, आपको काम एक ही करना है, k को अकेला बनाना है, k फाइंड करना है तो उसको अकेला भी बनाओगे ना, और x की वैल्यू तो दी हुई है आपने डाल दी, ठीक है। ऐसे दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। होमवर्क में आपको जितना आज मैंने सारा क्लास वर्क कराया सारा आपको अच्छे से वन टाइम करना है, ठीक है, क्लास वर्क में जो जितना मैंने कराया सारा अच्छे से वन टाइम करना, लॉकडाउन के बाद मैं परफेक्टली चेक करूंगी, ठीक है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, तो आपको अच्छे से करना है, यू आर सेंडिंग मी डेली, एकदम अच्छे से आपको भेजना है। और आपको होमवर्क में देखें, आरडी शर्मा में से दे रही हूँ मैं होमवर्क आपको, आरडी शर्मा में आपको एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, ठीक है, सेल्फ ट्राई में आरडी शर्मा में आपको एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 3 करना है क्वेश्चन 4 करना है, ठीक है, ये दो सम्स आपको आरडी शर्मा में से करने हैं और बाकी सारा आपको वन टाइम ही करना है, दो बार नहीं करना है, जितना बोर्ड पे करा वो सारा वन टाइम। और ये आरडी शर्मा के दो क्वेश्चन से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 सपोज आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको मेरे को टाइप करके भेजना है, क्लास में आप जब सारा होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करते हो लास्ट में एक लाइन लिख के भेजनी है कि मैम कि भाई मेरे को ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 इज माय डाउट, ठीक है, इतना आप खाली लिख के भेज दिया करो, क्योंकि जब मेरे ये लेक्चर्स में बना रही होती हूँ उतना मैं फ़ोन में फिर अंदर जाऊँ और फिर वो मैं पेजेस ढूँढूँ, मैं पहले सारा चेक कर लेती हूँ पर उस टाइम मेरे लिए मुश्किल होता है, ठीक है भाई, मैं एक एक बच्चे के इतने सारे बच्चों के पेजेस ढूंढने जाऊँ, आप खाली लास्ट में एक लाइन लिख लिया करो तो जब मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ना तो मुझे आसानी हो आपका सीधा क्या मैं फ़ोन देख के आपका सॉल्व करा दूँ, ठीक है। आप अंदर अंदर ऐसे राइट करते हो या अंदर लिखते हो डाउट उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना अलग से एक लाइन लिख के भेजने की, मैं सब चेक करती हूँ अंदर अंदर घुस के सब चेक करती हूँ, पर जब बनाते टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, क्लैरिटी वीडियो की, क्लैरिटी मेरी वॉइस, और उसके बाद फिर मैं आपका वो ढूंढने जाऊँ ना, दैट वेस्ट माई टाइम, एक खाली लाइन पे लिख दिया करो कि मैम दिस इज माई डाउट, खासे बच्चे इतना लिखने में भी उनको जोर आता है, बस भाई ढूंढो मैडम अंदर पेजेस में जाके ढूंढो हमारे डाउट, बेटा इतना मत करो, वो तो मैं देखती हूँ ऑब्वियसली, पर वो मुझे लिखना पड़े, आप प्लीज़ एक लाइन लिख के भेज दिया करो, ठीक है, थैंक यू।